नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले के लिए मांगे जाएंगे एप्लीकेशन। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। नियोजित शिक्षकों में से दिव्यांगों और महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग जल्द पूरी हो सकती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक तबादले की चाह रखने वाले शिक्षकों से जल्द ही आवेदन मांगे जा सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को बड़ी संख्या के नजर शिक्षा विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार कराया है, जिसके माध्यम से तबादले की कार्रवाई पूरी की जानी है। शिक्षकों से आवेदन लेने से लेकर उनकी मनचाही जगह पर पोस्टिंग करने तक की पूरी कार्रवाई ऑनलाइन ही होगी। बिहार में कोरोना वैक्सीन देने के लिए जल्द ही बनाए जाएंगे बूथ। बिहार में इलेक्शन की तर्ज पर कोरोना वैक्सीन के लिए बूथ बनाने का काम किया जाएगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक टीकाकरण केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी कर रहा है, ताकि लक्षित समूहों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई तैयारियों के तहत पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। निजी अस्पतालों के कर्मियों को भी पहले टीका लगेगा। सभी जिलों से स्वास्थ्य कर्मियों की सूची सिविल सर्जन के माध्यम से तैयार कराई गई है। इसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना का टीका दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में 4 जनवरी से शुरू होगी फिजिकल हियरिंग। क्रिसमस की छुट्टी के बाद पटना हाईकोर्ट ने फिजिकल हियरिंग शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जनवरी के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हियरिंग शुरू होने वाली है। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने फिजिकल सुनवाई शुरू करने की जानकारी पटना हाईकोर्ट के वकील संघों को दे दी है। यह जानकारी हाईकोर्ट के तीनों वकील संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष तथा वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के महानिबंधक ने उन्हें बताया कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 23 कोर्ट रूम को फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार कर दिया गया है। कोर्ट रूम में केवल वैसे वकीलों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनका केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। लापरवाह वाहन चालकों की अब बिहार में खैर नहीं। लापरवाह वाहन चालकों की बिहार में अब खैर नहीं है, क्योंकि ऐसे वाहन चालकों पर पुलिस शिकंजा कस रही है जो नियम तोड़ने से नहीं हिचकिचाते। नियम का पालन नहीं करने वालों पर अब जुर्माना तो लगेगा ही, वाहन चलाने का लाइसेंस भी निलंबित होगा। इसके बाद भी नियम तोड़ते पकड़े गए तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार पुलिस ने जनवरी से सितंबर के बीच यातायात नियमों को तोड़ने वाले 500 चालकों के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा परिवहन विभाग से की है। इनमें 333 चालक ऐसे हैं जिनकी लापरवाही से गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बताते हैं कि 104 वाहन चालकों पर ओवर स्पीडिंग के चलते यह कार्रवाई की गई है। हेलमेट नहीं पहनने वालों से यह राशि वसूली गई है। बिहार में अभी जारी रहेगी शीतलहर। बिहार में अभी शीतलहर के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में बुधवार से पछिया और उत्तर हवा फिर से बहने लगी है, जिसके कारण ठंड का असर एक बार फिर से बढ़ गया है। बुधवार को मुजफ्फरपुर, दरभंगा और छपरा में कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिली। गया अभी भी प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा है। यहां प्रदेश का अभी भी सबसे कम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में सभी शहरों में अभी भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही रहा है। खास बात यह है कि प्रदेश के 10 सबसे बड़े शहरों में 10 या उससे नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्य बिहार में घना कोहरा छा सकता है। पटना में रात में अत्यधिक घना कोहरा स्मॉग के रूप में देखा जा सकता है। बिहार में अब दरोगा को लेनी पड़ेगी साइबर ट्रेनिंग। बिहार पुलिस में तैनात दरोगा को साइबर ट्रेनिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ट्रेनिंग के बिना कोई भी दरोगा इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। अगर दरोगा को प्रमोशन पाना है तो ट्रेनिंग करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति लेने में कंप्यूटर की दक्षता को पहले से ही अनिवार्य कर दिया है, परंतु पुलिस महकमे में दरोगा के लिए अब साइबर ट्रेनिंग लेना हर हाल में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत दरोगा से इंस्पेक्टर बनने के लिए इनका काम सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के प्रशिक्षण से नहीं चलेगा। नए साल में पटना के पार्कों में घूमना हुआ महंगा। नए साल में इस बार घूमना फिरना महंगा होने वाला है। नए साल में 1 जनवरी से शहर के लगभग 5 पार्कों के टिकट के दाम दोगुने होने की उम्मीद जताई गई है, जिसकी तैयारी कई दिनों से शुरू हो चुकी है। इसमें शिवाजी पार्क, कंकड़बाग, अमृत योजना, जोगीपुर पार्क, शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए निर्धारित प्रवेश शुल्क में बदलाव किए गए हैं। वहीं कई पार्कों में नई सुविधाओं के लिए नई दर लागू की गई है। बुधवार को पटना पार्क प्रमंडल के अधीनस्थ विभिन्न पार्कों में प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क बढ़ाए जाएंगे। पटना
पार्क प्रमंडल के डीएफओ शशिकांत ने बताया है कि इस दर को राष्ट्रीय शुल्क निर्धारण समिति ने अप्रूव किया है। आज भी जूनियर डॉक्टरों का जारी है हड़ताल। राज्यभर के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार से ही हड़ताल पर हैं। इसके कारण पीएमसीएस समेत सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में इलाज बाधित हो गया है। हालांकि जानकारों की माने तो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस हड़ताल के पहले कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन उसने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में वहां के प्राचार्य और अधीक्षक को इसकी मौखिक सूचना एक दिन पहले दे दी थी। हालांकि हड़ताल के दौरान सभी जगहों पर जूनियर डॉक्टर ने कोरोना मरीजों का इलाज किया था। बिहार के आदित्यनाथ बने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव। बिहार के मधुबनी जिले के आदित्यनाथ दास आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। आदित्यनाथ दास 1987 बैच के आईएएस हैं। 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर 31 दिसंबर से मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने का आदेश निर्गत कर दिया है। हालांकि इस खबर के बाद से परिवार के सदस्यों के अलावा वॉटसन विद्यालय, सूरी स्कूल, परिवार और शहर के अन्य लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वॉटसन विद्यालय के 1981 शैक्षिक सत्र मैट्रिक के छात्र रहे संजय कुमार ने यह जानकारी शिक्षकों और छात्रों को अवगत कराकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां व्यक्त की है। वहीं उनके इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकृष्ण मिश्र ने कहा है कि जिले का इतिहास गौरवमय रहा है। कोरोना संक्रमित जीतन राम मांझी की हालत में आया सुधार। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की सेहत में सुधार आया है। कोरोना से संक्रमित होने के कारण वर्तमान समय में जीतन राम मांझी पटना एम्स में भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टरों की माने तो उनकी हालत में सुधार हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके शरीर पर सूजन थी, वो अब उतर गई है। सांस लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए ऑक्सीजन दी जा रही है। वहीं उनकी सेहत की जानकारी लगातार ली जा रही है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य सचिव ने भी टेलीफोन पर उनकी सेहत की जानकारी ली। लघु जल संसाधन मंत्री और उनके बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय प्रवक्ता करीब एक घंटे तक एम्स में भी रहे थे। राजद प्रदेश कार्यालय में मीसा भारती की एंट्री हो गई है। राजद कार्यालय में आज सुबह सुबह मीसा भारती के बड़े बड़े पोस्टर कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यालय में उनके चैम्बर की साफ सफाई का काम भी चल रहा है, जो पार्टी में नए सियासत की तरफ संकेत दे रहा है। अब मीसा भारती के आने से पार्टी में क्या बदलाव आने वाला है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी को भी पोस्टर से दरकिनार करते हुए नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार का स्लोगन लिखा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा से नरकटियागंज स्टेशन तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब दरभंगा से सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए नरकटियागंज स्टेशन तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण कार्य किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे से मिली मंजूरी के बाद कंस्ट्रक्शन विभाग ने अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फिलहाल इसके लिए रेलवे ने फाइनल सर्वे भी शुरू कर दिया है। दरभंगा से नरकटियागंज तक 190 किलोमीटर की दूरी तक दोहरीकरण को पूरा किया जाएगा। फाइनल सर्वे बाद इसका प्राकलन तैयार किया जाएगा। फिर आगामी वर्ष के बाद बजट में निर्माण कार्य के लिए राशि आवंटित किए जाने की संभावना है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में दोहरीकरण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। विराट कोहली की पेटर्निटी लीव पर भड़के सुनील गवास्कर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के खेलने के बाद पेटर्निटी लीव पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली चले गए हैं। वहीं विराट कोहली का लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा है। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गवास्कर ने पेटर्निटी लीव को लेकर टीम मैनेजमेंट पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि एक और खिलाड़ी जिसको नियम के बारे में आश्चर्य होगा, लेकिन जरूर उन्होंने इस बारे में कोई शोर नहीं मचाया होगा क्योंकि वो अभी नए हैं। वो है टी नटराजन। वो पहली बार पिता बने थे जब आईपीएल का प्लेऑफ खेला जा रहा था। उनसे कहा गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए यहीं रहिए, लेकिन टीम के सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि एक नेट गेंदबाज के तौर पर। जरा सोचिए, एक मैच विनर भले ही दूसरे फॉर्मेट में हो, उनसे नेट गेंदबाज बनने के लिए कहा जाता है और एक तरफ कप्तान है जो पहले टेस्ट के बाद ही वापस चले गए हैं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 24,712 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,01,23,778 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 312 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,46,756 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 96,93,173 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 283,849 सक्रिय मामले बचे हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजद कार्यालय में मीसा भारती के आने से पार्टी में किसी तरह के बदलाव की संभावना है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।